मित्रों कुछ गंभीर सवाल उठाना है और ये मूलतः भाजपा पटना में मेरे द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रेस की जा रही है, तो मूलतः राष्ट्रीय मुद्दे उठाना है जिसका संबंध बिहार से भी है। पहला सवाल मुझे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे साहब से पूछना है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और बस छोड़ दीजिए बस डिस्टर्ब, मेरी आवाज बहुत जोरदार है, आप निश्चिंत रहिए ना। पहला सवाल मुझे सोनिया गांधी जी राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? मैं फिर यह सवाल कर रहा हूं, सोनिया गांधी जी आप जवाब दें और राहुल गांधी जी आप जवाब दें। ये बार बार हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बेअदबी की जा रही है? पहले स्टालिन साहब के पुत्र ने बोला कि ये मलेरिया है सनातन, डेंगू है सनातन। आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोढ़ है, ये तो HIV एड्स है। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र खड़गे साहब क्या क्या बोल रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पुत्र पर कोई कंट्रोल नहीं है। सोनिया गांधी जी भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? ये मुझे पहला सवाल आपसे पूछना है। और सोनिया जी आप खामोश हैं, और आपके पुत्र कितना सनातन और हिंदुत्व को समझते हैं उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। इसलिए सोनिया गांधी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सोनिया गांधी जी आप समझ लीजिए, राहुल गांधी जी आप समझ लीजिए, और कांग्रेस के नेता समझ लें और विपक्ष के नेता समझ लें कि इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत तो न हिंदू आस्था को हिला सकी, न सनातन को कमजोर कर सकी। सैकड़ों वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भी हिंदू आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचाई, बहुत कोशिश किया इन लोगों ने मिशनरियों के साथ, लेकिन हिंदू आस्था आगे बढ़ती रही, सनातन की ज्वाला और चमकती रही। ये लोग किस खेत की बोली है? और तो और आज हमारे बिहार RJD के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगता बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगता बाबू आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं, अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना, तो ये क्या कर रहे थे वो? जगता वो कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय कितने बड़े देशभक्ति और आजादी के आंदोलन के नेता थे, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गणेश चतुर्थी के माध्यम से पूरे देश में जागरण किया, अभी आने वाली गणेश चतुर्थी, महर्षि अरविंद
वो देशभक्त थे ना, आतंकवादी घटना में उनको फंसाया गया था, उनके छोटे भाई को आजीवन कारावास हुई थी अंडमान निकोबार में। कितने बड़े आध्यात्मिक संत थे। और स्वयं गांधी जी रघुपति राघव राजा राम करते थे। तो न कुछ जानते हैं, न कुछ समझते हैं, न कुछ पढ़ते हैं। जगता बाबू एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है, तब समझ में आएगा। आज सोनिया गांधी जी मुझे कुछ आपको बताना है, क्योंकि आपकी पार्टी तो भूल गई है वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, सब भूल गई। आज मैं भारत का मूल संविधान लेकर के आया हूं, ये भारत का मूल संविधान है। देश के काफी लोगों को इसका ज्ञान है, सोनिया गांधी जी भूल गई हैं और राहुल गांधी तो पढ़ते लिखते ही नहीं है, तो इसलिए मैं लेकर के आया हूं। ये बिल्कुल मूल संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। भारत की आजादी के आंदोलन नेता बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने सोचा कि क्या भारत के संविधान को ऐसे ही पेश कर दिया जाए। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा है, तो उन्होंने कहा भारत के संविधान में भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की आध्यात्मिक विरासत को भी हम रखेंगे। और उन्होंने खुद कुछ ही चित्र सेलेक्ट किए और नंदलाल बोस बंगाल के बहुत बड़े पेंटर थे और शिष्य थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनसे थोड़ा शांत रहिए, उनसे कहा कि आप रेखा खींचो इनकी। और सोनिया जी आज ओरिजिनल संविधान से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है, मखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। तो थोड़ा मैं आपको अपने पुरखों की विरासत बताता हूं, जिसके बिना पर आपकी और आपके बेटे की और आपकी बेटी प्रियंका की राजनीति चलती है। देखिए मैं पहला चित्र क्या दिखा रहा हूं, और सोनिया जी आप देखिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के ऊपर किसका चित्र है, प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब मैं दिखाऊंगा सोनिया गांधी जी आपके ज्ञान के लिए। अब मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व के ऊपर क्या है, भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए मैं तीन चार चित्र ही दिखाऊंगा। इंदिरा जी, सोनिया जी पहचानते हैं इनको आप तो पहचान गए होंगे। हनुमान जी देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूं, देखिए हनुमान जी हैं। हाँ, और एक चित्र और दिखाऊंगा, ये देखिए कौन है, नटराज। हाँ देखिए आप, इसमें शिवाजी हैं, झांसी की रानी है, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। और सोनिया जी आपके ज्ञान के लिए इस पर भारत की संविधान सभा के लोगों ने दस्तखत किया। ये देखिए पहला दस्तखत है राजेंद्र प्रसाद का, देखिए नंबर एक, और उसके नीचे सोनिया जी आपके
दादा ससुर जी जवाहरलाल नेहरू का दस्तखत है। देखिए आप, ठीक है, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष संविधान सभा के, और देखिए ये नंबर एक उर्दू में दस्तखत है मौलाना आजाद का। उसके बाद है ये देखिए वल्लभ भाई पटेल का, और फिर देखिए बी.आर. अंबेडकर का, और इसमें बिहार के कई नेता श्री बाबू अनुग्रह बाबू के.बी. सहाय मृदानंद झा सबों का दस्तखत है, और बाकी और कई देश भर के नेता जो संविधान सभा के सदस्य। कांग्रेस पार्टी कुछ याद है कि भूल गए हैं? नेहरू जो कभी दिक्कत नहीं हुई कि प्रभु राम का चित्र है इसमें, प्रभु कृष्ण का चित्र है, नटराज रहे, हनुमान रहे, बाबा औरंगजेब नहीं रहे, और आज की कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन धर्म, सबों का अपमान। तो सुन ले सोनिया जी, हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और भाजपा की ओर से हम गांव गांव जाके आपकी सच्चाई को उजागर करेंगे। आज हमें इस बार कुछ विनम्रता से आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि कोई तरीका है बोलने का कि सनातन एड्स है, एचआईवी है। ये जगताप बाबू क्या बोल रहे हैं? लालू प्रसाद जी अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ आपको बोलना है कि आप गए थे सिद्धि विनायक मंदिर में दिखावा करने के लिए, मतलब बात है टीका, कल आपकी फोटो छपी है जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को झूला झूला रहे और टीका लगा रहे, किसके लिए है ये? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए फिर मुझे अब छोटे लोगों से सवाल पूछना ही नहीं है। सोनिया गांधी आप जवाब दें, राहुल गांधी आप जवाब दें, प्रियंका आप जवाब दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यह हाल है कि उनके पुत्र प्रियांक खड़गे रोज सनातन का अपमान करते हैं। ये नहीं स्वीकार होगा, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। क्या क्या बातें बोलते हैं, थोड़ा सोनिया जी एक और आपसे आग्रह है, थोड़ा हिंदुस्तान को समझिए। माता शबरी कौन थी? एक बिलनी थी ना। वाल्मीकि कौन थे? वेदव्यास कौन थे? संत रविदास कौन थे? मुझे गर्व है कि संत रविदास को कितना सम्मान मोदी जी ने दिया है। अभी सागर में उनका बड़ा मंदिर बना है, काशी में और बढ़िया मंदिर बन गया। यही तो अपना हिंदू आस्था की सोच है ना, कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय में हो अगर वो तपस्वी है, संकल्पित है, तो वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, आपके सवाल लेने के पहले मैं जस्ट कॉन्क्रिटाइज कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू चिंतन, हिंदू विश्वास, हिंदू आस्था का जो रोज अपमान हो रहा है विपक्षी गठबंधन के द्वारा, इसीलिए आपको घमंडिया कहते हैं, कि आपको घमंड है कि देश हम समझते हैं, और कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है। सोनिया गांधी जी, आपके लोग संविधान समझते हैं, पढ़ते हैं? और सोनिया जी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज संविधान बनता, अगर बनता, और आज की संविधान सभा में इन महान देश के विभूति ईश्वर को स्थान देते, तो आप कितना चिल्लाते आप लोग? यही है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण हिंदू आस्था का तिरस्कार करते हैं, हिंदू चिंतन का अपमान करते हैं, देश की परंपरा का अपमान करते हैं। ये हम नहीं सहन करेंगे। और मैं क्या बोलूं, तमिलनाडु के लोग जो कर रहे हैं उसका जवाब जनता देगी, लेकिन जो लोग खामोश हैं, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कुछ लोग बोले हैं लेकिन सोनिया गांधी खामोश है, राहुल गांधी खामोश, और उनके एक महामंत्री बोलने के लिए आए थे, वो तो सर्वधर्म संभाव को ही नहीं बोल पाए। मनोज जी, आपने देखा होगा टीवी पर उनका, तो ये अब अपमान नहीं सहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सवाल के लिए तैयार हूं।
शंकर जी, इस कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आपने कराया है, आप भी के एक राष्ट्रवाद सांसद रघुनाथ यादव, उन्होंने इंडिया सबको गाली कहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या इंडिया का अपमान नहीं हुआ? अब देखिए, उस पर मुझे कोई बहस नहीं कर रही है। आज का विषय मैंने बता दिया आपको, संविधान में लिखा हुआ इंडिया, दैट इज भारत। पहले इस विषय पर बात करिए। हाँ, मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार पहले संविधान पढ़ ले, इसलिए मैं संविधान की ओरिजिनल प्रति लेकर आया हूं। और नीतीश कुमार जी, आपके चिरपरिचित रविशंकर प्रसाद इसकी मौलिक प्रति आपको देने को तैयार है। और जब मैं देश का कानून मंत्री था, मैंने इसकी छपवाया था छोटे रूप में, वैसे काफी बड़ा आई है, तो अगर आप चाहेंगे तो ये प्रति मैं आपको दे दूंगा। वैसे तो हमारी आपकी बातचीत कम होती है, कोई बात नहीं है, आप नई संगत में गए हैं तो पुराने मित्रों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर भारत के संविधान को समझना है तो मैं इसकी प्रति आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। अरे भाई, आज का विषय है, आज का विषय क्या मजाक करते हैं आप लोग भाई? और कोई सवाल? महागठबंधन के कई मंत्री ये कह रहे हैं कि अब नोट में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखवाएंगे। ऐसा है, पहले जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ तो जवाब दे दें। मैंने आज कुछ बड़े सीधे सवाल रखे हैं ना, अब बाकी वो उनके मंत्री क्या बोलते हैं, वो तो रोज बोलते हैं, तो बाकी मनोज जी उनकी टीम बैठी है ना, उनका जवाब देने के लिए दे देंगे जवाब। सुबह से दो मर्डर और एक लूट हो चुका है। किस पे? सुबह से दो मर्डर, एक समस्तीपुर, एक पूर्वी चंपारण और अभी वैशाली में एक लूट, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, ये पीड़ादायक है, लेकिन कौन सी नई बात है? मैं फिर पूछ रहा हूं, आप समस्तीपुर और कहां, और दूसरा कहां का आपने? मैं तो यहां का सांसद हूं ना, पटना बिहार की राजधानी है ना, जहां देखिए कितना चेन स्नैचिंग होती है, कितना मर्डर होता है, तो इसलिए मैं क्या बताऊं आपसे। नीतीश बाबू, क्या हो गया आपको? पहले तो बड़ा कहते थे सुशासन बाबू, अपराध है बेलगाम, नीतीश बाबू है खामोश। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र की बीजेपी की सरकार को नीच कर संबोधित किया। ऐसा है, हमारे न वो संस्कार है ना हमारा वो स्तर है, वो तो बड़े लोग हैं, शायद वो सोनिया गांधी से बहुत सीखते हैं, सीखते नहीं। ये सब कर्नाटक की जनता जवाब देगी। धन्यवाद। सब विदेश मंत्रालय बात करेगा ना आपसे, और कोई बात तो नहीं? धन्यवाद।